हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं क्या है, हाउस एक्सप्लोरर्स। हमारा काम भी आप जानते हैं क्या है, एक्सप्लोर करना आपके लिए कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ ताकि आपकी सर्चिंग और परचेजिंग ईजी हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हम आपके लिए सर्च करते हैं अच्छी प्रॉपर्टीज़ को जो वैल्यू फॉर मनी हो, आपको अप्रिसिएशन दे रहा हो। अगर आप हमारे वीडियो को चेक करते हैं तो बिल्कुल हम आपके लिए कहीं ना कहीं लेके आते हैं। 30 लाख रुपये से स्टार्ट होती हैं प्रॉपर्टीज़ और कहीं ना कहीं जाती हैं आपकी 3 करोड़, 3.5 करोड़ तक भी। हम हर एक जो तबके हैं उनको कैटर करते हैं ताकि हर एक के पास एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, उनका उनको उनका ड्रीम होम मिल जाए। तो अगर ऐसे में ही आपकी एक रिक्वायरमेंट है, एक बजट सेगमेंट में देख रहे हैं, एक 3 BHK फ्लैट चाहते हैं, वैशाली मेट्रो से दूरी ज़्यादा ना हो, तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगेगी। प्राइसिंग तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, उसमें चेकआउट करिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इसमें देखें तो ये मेट्रो से इसकी दूरी कहीं ना कहीं रह जाती है बहुत कम, बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सामने ही आपको मेट्रो भी दिख जाता है, मेट्रो इतने पास में होने वाला है। ये आपकी रीसेल प्रॉपर्टी होने वाली है, तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट या फिर 150 गज में करीब करीब में बना हुआ है। ये 3 बेडरूम्स 2 वॉशरूम के साथ में आने वाला है। उसकी खासियत बताऊँ तो, एक तो देखिए मेट्रो के बहुत पास है, दूसरी खासियत बताऊँ तो ये पूरा क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट है, आपको फ्रेश एयर हमेशा मिलती रहेगी, कहीं से भी ढका छुपा है नहीं, आपको हर जगह से फ्रेश एयर मिलेगी, पूरा प्रॉपर सनलाइट इसके अंदर आता है। लास्ट में आपको थोड़ा लाइट बंद करके भी दिखाएंगे कि कितनी रोशनी इसमें आएगी, कितना फॉल करेगा इसमें रोशनी, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए ज़्यादा आप डिले करेंगे नहीं, इसका वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए, इसमें आपको डबल डोर एंट्री मिल जाती है, एक ही आपका आयरन गेट आ जाता है और ये आपका वुडन डोर आने वाला है। हाइट इसकी तकरीबन 7 फीट है, क्राफ्ट वर्क अच्छा देखने को मिलेगा। डोर हैंडल्स की अगर हम बात कर लें तो मेटेलिक टोन में है। रिक्वेस्ट करते हैं साइड से अंदर आ जाएं और प्रॉपर्टी को दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ऊपर भी देखेंगे पूरा ग्रिल वॉक है। ये हो जाता है दोस्तों इसका लिविंग एरिया। लिविंग की बात करें तो एल शेप आपका लिविंग डाइनिंग आने वाला है। ये जहाँ पर हम ये मैं खड़ा हूँ तो ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है, ये देख सकते हैं ये लिविंग एरिया है। फ्लोरिंग को अगर हम चेकआउट करते हैं दोस्तों, ये सब आपको मार्बल फ्लोरिंग देखने को मिलेगी, पूरे घर पे ही आपका मार्बल फ्लोरिंग का ही वर्क है, तो आपका एलिगेंट है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, जल्दी टूटता उठता कुछ भी नहीं है, सही है। ये हो जाता है दोस्तों आपका बैक ऑफ द सोफा वाला वॉल, अच्छे से हाईलाइट किया गया है, मिरर वर्क एलिगेंट लगता है, वॉल पर भी अच्छा क्राफ्ट वर्क देखने को मिल जाएगा आपको, अच्छा दिख रहा है। फॉल सीलिंग पर देखें दोस्तों, आपको देखिए पूरा फ्रेश वर्क देखने को मिलेगा, 2 एलिगेंट फैंस यहाँ देखने को मिलते हैं, शैंडेलियर इसका काफ़ी कमाल लगता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पूरे घर को ही न्यूली तरीके से सारा रेनोवेट किया गया है, सारा चीज़ नया है। फॉल सीलिंग की बात करें, अगर हम इसकी बात करें वॉल्स की, जितना भी वुडन वॉक है सब न्यू होने वाला है, डोर्स को भी चेंज किए गए हैं, तो सारी चीज़ें ही न्यू हैं इसमें। तो बिल्कुल आप जो है, अगर आप इसको लेने का भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं इन सब चीज़ों की क्वालिटी को लेकर। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लिविंग एरिया। बात करें इसके साइज़ की, तो अच्छा साइज़ है आपका, आराम से सोफ़ा सेट कुछ ऐसे में प्लेस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस तरह से एल शेप में इसको कर सकते हैं प्लेस, सोफ़ा सेट को अपना विद सेंटर टेबल, तभी भी आपको काफ़ी अच्छी जगह देखने को मिलेगी। यहाँ अगर देखें दोस्तों, ये बिग साइज़ आपको यहाँ विंडो देखने को मिल जाएगा, ये भी आपका एल शेप में आ जाता है। ये हमारा शाफ्ट का एरिया है, इसकी भी खासियत क्या है देखिए, यहाँ से आपको पूरा ओपन रहता है, तो यहाँ से आप अगर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ वेंटिलेटेड पूरा रहेगा। इसमें भी और खासियत में बताऊं दोस्तों आपका, देखिए ये UPVC में आपका टफन ग्लास लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये आपके साउंड प्रूफ भी रहते हैं, घर के अंदर है तो कहीं ना कहीं आपकी 90% तक ये नॉइस को रिड्यूस कर देते हैं, बाहर की नॉइस को। प्लस इसमें नेटवर्क है, जो इसमें नेट का जो है आपको जाली दिया हुआ है, तो अगर एक तरह से ओपन करते हैं तो आपका जो मॉस्किटोज हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं इंसेक्ट्स, वो अंदर नहीं आते हैं। ये तो उसकी खासियत हो गई। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये एल शेप में होने वाला, तो इस तरफ भी आपको जगह देखने को मिलेगी और इधर भी देख सकते हैं, ये विंडो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा मिनी विंडो है, यहाँ पर भी आपको विंडो देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए हमारा बिग साइज टीवी पैनल बना के दिया गया है, तो अगर आपके पास एक बड़े साइज का टीवी है, 56 इंच का टीवी है, तो भी आराम से प्लेस हो जाएगा। सब आपको देखेंगे तो ये पैनलिंग वर्क है और जो वुड है सारा, पूरे घर में जितना भी वुड यूज़ किया गया है सब SGMR क्वालिटी वुड रहेगा। पॉलिश वर्क अच्छा लगता है इसके ऊपर और जो इसके पीछे स्ट्रिप लाइटिंग का वर्क है एलिगेंट दिखता है। नीचे डेडिकेटेड ड्रॉर्स आ जाते हैं आपके, तो अपना जो चीज़ें हैं सामान आप आराम से इसमें प्लेस कर पाएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आपके देखिए शोपीस के लिए यहाँ पर जगह बना के दिया गया है, ये आपके एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आ जाता है। यहाँ पर अंदर आपका पूरा ग्लास वर्क है, LED लाइट इसके अंदर आ रही है, तो इसमें जो अपने कुछ शो ऑब्जेक्ट्स रखते हैं आप तो अच्छा लगेगा, शो पीसेस रखें अच्छा दिखेगा।
ये हो जाता है दोस्तों हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं 6 चेयर डाइनिंग टेबल तो आप आराम से प्लेस कर लेंगे, हो सकता है 8 चेयर भी आप आराम से प्लेस हो जाएगा क्योंकि साइज अच्छा है इसका। देख सकते हैं पूरा प्रॉपर आपको अच्छी जगह मिलेगी, आप कुछ इस तरीके से प्लेस करें आपका 6 to 8 चेयर डाइनिंग टेबल तो आराम से प्लेस होता है। इसके ऊपर भी सीलिंग वर्क को देखें तो अच्छा काम है, यहाँ पर भी आपको एक फैन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपका डाइनिंग तो दिखा दिया, कहीं ना कहीं फूड बनेगा तो उसके लिए किचन, किचन भी बिल्कुल न्यूली तरीके से आपका क्रिएटेड है। चलिए किचन चेकआउट कर लेते हैं, ओपन किचन रहने वाला है। देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक क्राफ्ट वर्क अच्छा लगता है, लाइट आ रही है और इससे पहले ये जो है ना सबुट का काम है। ये हो जाता है दोस्तों आपका किचन, देख सकते हैं किचन देखेंगे तो आपका एल शेप स्लैब के साथ में आ रहा है। स्लैब अच्छा लगता है, स्लैब पे भी जो स्पार्कल्स है ना ये चमकते हैं, लाइट जब इस पर गिरती है तो अच्छा लगता है। स्ट्रिप लाइटिंग का वर्क इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। अगर देखेंगे पूरा किचन भी आपका SGMR प्लेटफॉर्म पे ही बना हुआ है, कुछ सेक्शंस तो आपको प्योर वुड में आ जाते हैं। पॉलिश वर्क अच्छा है इसके ऊपर भी, ये देख सकते हैं पूरी क्वालिटी SGMR ही रहेगी। और ये आ रहे हैं आपके एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में, देखिए हाइड्रोलिक में बनाए गए हैं, ये भी आपका सब टफन ग्लास होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पर भी लाइट आ रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर भी आपका सारी की सारी चीज़ें हैं। ये LED जो ऊपर लगी है ना दोस्तों ये कमाल लगती हैं। इसी के साथ में दोस्तों ये आपको यहाँ चिमनी इसी के साथ मिलेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया रीसेल रेनोवेटेड होने वाला है तो यहाँ पर भी आपको देखिए PNG कनेक्शन पहले से प्रीफिटेड मिलता है। जब जैसे ही आप उसको अपने नाम पर कराते हैं फ्लैट को तो उसको चेंज करा सकते हैं। विंडो देखने को मिल जाएगी यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर आपका सिंक एरिया आ जाता है। बात करें तो यहाँ पर भी जितने भी आपके जो फिटिंग्स हैं सब आपके क्वालिटी के लगाए गए हैं, बाय हिंडवेयर आ रहे हैं ये। चलिए इनके आप आपको बकेट चेकआउट करा देता हूँ। ये देखिए जितने भी जो उसके बकेट्स बने हुए हैं दोस्तों ये सब आपके SGMR वुड पे ही बने हैं। सब क्लोजर चेकआउट कराते हैं आपको, ये देखिए सब सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आएगा, ये देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेनोवेटेड है तो बेकार क्वालिटी का काम है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का ही काम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड आपको किसी भी फ्लैट में देखने को मिलता है। देखिए क्वालिटी का काम है, हाइड्रोलिक भी जो आ रहा है कहीं ना कहीं इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी अच्छी आ रही है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किचन, और ये टाइल वर्क भी अच्छे लगते हैं इस पर जो बनाए हुए हैं। नीचे इसकी फ्लोरिंग पर आपको मार्बल फ्लोरिंग ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लिविंग और आपका डाइनिंग और आपका किचन। चलिए हम पहले लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है उसको चेकआउट कर लेते हैं, फिर 2 बेडरूम्स हमारे इस तरफ रहते हैं उसको लास्ट में दिखाएंगे। आइए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों ये हमारा पहला बेडरूम हो जाता है इस 3BHK फ्लैट का। साइज देख सकते हैं अच्छा साइज है, ये बैक ऑफ दी बेड वाला वॉल है, इसमें भी आपका पैनल वर्क है, लाइट अच्छी लगती है, फॉल सीलिंग पर देखिए अच्छा काम है। देखेंगे तो आपका किंग साइज बेड आराम से आएगा, जो ये दोनों स्विच बोर्ड दिख रहे हैं दोस्तों आपको इसके अंदर अंदर ही आएगा, तो आपको लेफ्ट और राइट साइड में आपको अच्छी जगह मिलेगी वॉकिंग के लिए इसके, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि जगह अच्छी है, इसके अंदर ही बेड रहेगा। और क्या रहता है देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको वार्डरोब देखने को मिलता है, वॉल माउंटेड है, बाहर नहीं है इसी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका डीप वार्डरोब रहने वाला है, हाइट ऊपर तक दी गई है तो अपनी स्टोरेज आप ऊपर रख आराम से कर सकते हैं, आपके पिलोज हैं, कुशंस हैं और जो भी चीज़ें ब्लैंकेट्स हैं आप ऊपर आराम से रख पाएंगे उन्हें, सूट ब्लेजर्स तो आप आराम से इसमें हैंग कर ही पाएंगे। इसमें भी क्राफ्ट वर्क अच्छा है, माइका का वर्क है, अच्छा लग रहा है। और क्या रहता है देखिए इसमें खासियत बहुत ज़्यादा है, ये आपका मास्टर बेडरूम ही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें ये आपका वॉशरूम हो जाता है, वॉशरूम का साइज आपका अच्छा आने वाला है, टाइल वर्क एलिगेंट है, टाइल वर्क को देखेंगे तो आपका ग्रे स्टोन में है, सारी फिटिंग फिटमेंट सारी आपकी हिंडवेयर की आ रही हैं, देख सकते हैं नीचे इस पर जो अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे के टाइल्स भी अच्छे लग रहे हैं, ऊपर का जो सीलिंग वर्क है ये भी एलिगेंट लगता है। अगर डोर की अगर इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन मेरे ख्याल में अराउंड ये 9 से 10 फीट करीब करीब की हाइट होगी, तो ये भी अच्छी हाइट आ रही है। यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए एक वार्डरोब तो हमने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर आपको अलग से एक और वार्डरोब मिल जाता है, आपको यहाँ पर 3 लेयर वार्डरोब देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं सेम वही वुड है, SGMR क्वालिटी वुड रहेगा। और यहाँ पर आपको ड्रेसिंग के लिए ये सब दिया गया है, देखिए सब लाइट जला दी है हमने, तो यहाँ पर आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाता है, अपनी सेटी लगाएं आराम से यहाँ पर आप रेडी हो सकते हैं। तो ये सब जगह आपको अलग से मिलती है, यहाँ पर भी देखिए चौखट पर अच्छा काम देखने को मिल जाता है। विंडोज आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ से आपको बिग साइज बालकनी मिलेगी, वो भी चेकआउट कराता हूँ। यहाँ अगर आप विंडो AC लगाते हैं, साइज ये लगाते हैं तो नीचे आपके स्विच सॉकेट्स दिए हुए हैं,
चलिए बाहर चलते हैं, इसका बालकनी आपको चेकआउट करा देते हैं। आइए देखिए, अगर इस पर भी देखेंगे ना, जो बालकनी की तरफ जो जाते हुए डोर्स है दोस्तों, या फिर आपका जो एंट्री डोर है वहाँ पर जो हाइट है तकरीबन 7 फीट आती है, बाकी पूरे घर में जो डोर की हाइट है बड़ी रखी गई है। इसमें भी आपको डबल आपको गेट एंट्री और एग्जिट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। अब देखिए ये होता है साइज कुछ, ये आपको पूरा का पूरा जगह देखने को मिल जाता है। देखिए ये आपकी एक साइड बालकनी हो जाती है, और साइज़ देखें इसमें, मतलब इतना साइज़ है आपका कि आराम से यहाँ पे अगर आप छोटे मतलब 7 से 8 दोस्तों का एक छोटा गैदर भी करना चाहते हैं ना, तो आराम से हो जाएगा। पूरा ये टाइल वर्क अच्छा करके दे रहे हैं आपको, सेफ्टी प्रोटेक्शन आपके वॉल की हो जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बनाया गया है। यहाँ पर बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना बारबेक्यू कर रहे हैं, तो अच्छी आपको ये जगह मिल रही है। यहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन आप लगा सकते हैं, आपका वॉशिंग एरिया हो जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा स्लैब टाइप ही बना के दिया गया है, तो यहाँ पर ही आपको यूजेबल पूरी बालकनी देखने को मिलेगी। चलिए अंदर चलते हैं और रिमेनिंग एरियाज को चेकआउट कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं और हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, उसे एनकरेज करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहें और प्रॉपर्टीज को निकालते रहें ताकि आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। अगर दोस्तों देखें तो देखिए यहाँ पर आपके दो जो है बेडरूम देखने को मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जो आ जाता है हमारा ये आ जाएगा वॉशरूम, जो कॉमन कम अटैच वॉशरूम रहने वाला है। बिल्कुल से चेकआउट कर लेते हैं। आइए ये देखिए, ये जो वॉशरूम है आप इसको लिविंग से भी एक्सेस कर सकते हो, और जो बेडरूम है यहाँ पर यहाँ से भी वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। डबल इसमें डोर एंट्री आएगी, ये देखेंगे तो ये देखिए इसका साइज अच्छा आने वाला है, और इसमें टाइल वर्क अच्छे किया गया है, अच्छा है। ऊपर सीलिंग पर अच्छा काम आपको देखने को मिलेगा, एलईडी लाइट सारे खूबसूरत लग रहा है। फिटिंग फिटमेंट से दोस्तों वही आपको हैंडवेयर की देखने को मिल जाएगी, और नीचे यहाँ पे अभी वैनिटी सब लगा हुआ है, आपको मिरर लगना बाकी है। मिरर लग जाएगा तो और एलिगेंट लगेगा कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल में इसमें आपका का सेंसर वाला ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरी फिटिंग्स दी गई है, वायर आ रही है बाहर। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कॉमन कम अटैच वॉशरूम, चलिए इसका बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं। ये हो जाता है दोस्तों इसका बेडरूम, तो इस वॉशरूम को आप इस बेडरूम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो है आपका सेकंड बेडरूम हो जाता है, साइज का भी अच्छा है। देखिए दोनों स्विच बोर्ड्स के अंदर आपका आपका बेड आ जाएगा, किंग साइज बेड आराम से प्लेस होगा। यहाँ पे आपको टीवी पैनल बना के दिया गया है, बेड भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बेड आपका यहाँ तक आ जाएगा, इधर तक आएगा, 6x6 का भी करते हैं तो शायद उससे उधर ही आना चाहिए, तो लेकिन आपको यहाँ पर ये आप टीवी लगाएं, इधर बेड प्लेस होगा, अच्छा लगेगा। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये सब आपका पैनल वर्क है, लाइट एलिगेंट लग रही है, सीलिंग पर अच्छा काम देखने को मिल रहा है आपको, वॉशरूम तो हमने आपको बता ही दिया है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक वार्डरोब देखने को मिलता है, डबल डोर के साथ में है, ये भी आपका डीप वार्डरोब रहने वाला है, HDMR क्वालिटी गुड है, तो क्वालिटी के मामले में आप निश्चिंत रह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे भी सारे आपका जो है आपका विंडोज आ जाते हैं, तो अगर आपको विंडो एसी लगाना है तो नीचे आपके स्विच सॉकेट सब है। अगर सब बात करें, सब भी आपके मॉड्यूलर स्विचेस होने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ग्रिल वर्क का अच्छा काम है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी डबल आपको डोर ही देखने को मिलता है, आयरन गेट आ रहा है और आपका एक नॉर्मल आपका वुडन डोर आ रहा है। बालकनी को चेकआउट कराएंगे, इससे पहले हम तीसरा बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं। आइए तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है हमारा थर्ड बेडरूम, ये देखें साइज का भी अच्छा आने वाला है। यहाँ पर भी आपका बेड कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ वार्डरोब बनाए गए हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे घर में दोस्तों आपको मार्बल वर्क है, तो यहाँ पे मार्बल वर्क देखने को मिलेगा, सीलिंग पर आपको अच्छा ही काम देखने को मिलता है। राइट साइड में हमारा टीवी पैनल आ रहा है, इसके पीछे भी ये जो स्ट्रिप लाइट का वर्क है ना, एलिगेंट लग रहा है, पैनल वर्क है, उसके आगे ये वुड है, अच्छा दिख रहा है, नीचे सेक्शंस आ जाते हैं। और यहाँ पर आता है हमारा 3 लेयर वार्डरोब, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी आपका डीप वार्डरोब रहने वाला है, ऊपर एलईडी लाइट्स अच्छी लग रही हैं, और उसमें जो क्राफ्ट वर्क है ना एलिगेंट लग रहा है, सब माइका का वर्क है आपका। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मिरर, तो भी आपके ये सेक्शन दिए गए हैं स्टोरेज के लिए, नीचे आपके ड्रॉवर्स दिए गए हैं। तो ये तो हो गया आपका लास्ट बेडरूम, साइज का भी अच्छा है। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर भी आपको बिग साइज विंडो है, तो हर जगह से आपको रोशनी प्रॉपर आती है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रोशनी कम आ रही हो। देखिए यहाँ से भी आपको प्रॉपर रोशनी आएगी, ओपन करेंगे यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन मिलेगी, बाकी इधर से तो आपका बालकनी आ ही रहा है। चलिए बालकनी की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका बालकनी एरिया, ये देखें यहाँ से आपको इन दोनों बेडरूम से कनेक्टेड ये बालकनी मिलेगी, तो तीनों बेडरूम से आपका बालकनी कनेक्टेड रहने वाला है। साइज़ देखें इसका भी डिसेंट आ रहा है, अच्छा साइज़ है इसका भी। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका
ये आपका फ्रंट एंट्री आपकी इधर की तरफ से हो जाएगी। और देखिए जैसे आपको ये डबल साइड रोड आ जाती है, तो कुछ देखिए पीसफुल एरिया है, ग्रीनरी अच्छी है आपकी, तो बिल्कुल मेट्रो से 2 मिनट की दूरी और कुछ इस तरीके का आपको पीसफुल एरिया देखने को मिल रहा है, बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। मेट्रो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए आपका इसी तरफ आ जाता है जहाँ पे कैमरा है आपका, देखिए आपको दिख भी रहा होगा मेट्रो का, आपको ये पूरा ब्रिज दिख रहा है, मेट्रो आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही पूरा मेट्रो आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से चल के भी जाएंगे तो 2 से 3 मिनट में आप आराम से चल के पैदल जा सकते हैं, इतनी दूरी पर है। तो ये तो हो गई पूरी इसकी बात, प्राइसिंग तो सब आप चेकआउट कर लें। चलिए अंदर चलते हैं एक बारी, मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है मैं विदाउट लाइट्स, मैं लाइट बंद कर दूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितनी रोशनी आती है। चलिए आइए, पहले हम यहाँ से सारे दरवाजे खोल लेते हैं एक बारी, उसके बाद में मैं आपको चीज़ें चेकआउट करा देता हूँ। ये देखें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा साहिल से कि एक बारी लाइट को क्लोज कर दें ताकि ये सारी चीज़ें हम दिखा पाएँ। ये देखिए दोस्तों, लाइट्स हमने सारे बंद कर दिए हैं फिर भी देख सकते हैं, कोई सा भी रूम ऐसा नहीं है जिसके अंदर सनलाइट ना आती हो। रिक्वेस्ट करूँगा साहिल से एक बारी जल्दी से सारी चीज़ें दिखा दें। देखिए अगर आप किचन चेकआउट करें, किचन में प्रॉपर रोशनी है, ये जो दोनों बेडरूम्स अभी हमने लास्ट में चेकआउट करे थे, देखिए प्रॉपर रोशनी आती है। ये देखें लिविंग में तो आपकी रोशनी आ ही रही है, और जो इधर वाला जो आपका बेडरूम है इस पर भी भरपूर रोशनी आने वाली है, तो रोशनी की कोई आपको दिक्कत होगी ही नहीं क्योंकि इतना सनलाइट इसमें आता है। वेंटिलेशन आपको प्रॉपर आती है क्योंकि दोनों तरफ से जो बालकनी है यहाँ से आपका जो है क्रॉस वेंटिलेटर रहता है फ्लैट। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी जो हम आपके लिए लेके आए वैशाली सेक्टर 4 से, जो कि आपकी रीसेल की प्रॉपर्टी होने वाली है। कमेंट्स में लिख के बताएं आपको कैसा लगा, अगर देखने का मन बना रहे हैं तो नंबर पर कॉल करें और विजिट प्लान आउट ज़रूर करें। कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कोड भी हमने मेंशन कर दिया है ताकि अगर ये वीडियो आपके पास थोड़े दिन बाद पहुँचता है तो हमें ईजी हो जाएगा फिल्टर आउट करने में कि कौन सी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप चाहते हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आया हो, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखने का मन मना रहे हैं तो नंबर तो डिस्प्ले कर ही रहा है, कॉल करें, विजिट प्लान आउट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।